हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। आई एम गौतम दीक्षित, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जीके एंड करंट अफेयर्स। आज के इस वीडियो में हम सितंबर 9 तारीख का द डेली हिंदू न्यूज़ एनालिसिस डिस्कस करेंगे। और आज का न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें है जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला न्यूज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है, एमिड प्रोटेस्ट सेंटर हाइक्स MSP फॉर राबी क्रॉप्स। ये प्रोटेस्ट जो है, आप जैसे जानते हैं, करनाल में चल रहा है संयुक्त किसान मोर्चा के तहत, पर उसके अंदर भी सेंटर हैज़ हाइक द MSP। नाउ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MSP? द फुल फॉर्म ऑफ MSP इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये मिनिमम एस फॉर सपोर्ट, पी फॉर प्राइस। ये 23 एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए हार्वेस्ट सीजन के पहले ही गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है। ये जो प्राइसेस हैं, ये CACP सेट करता है, डिक्लेयर करता है इसको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और इसमें जो है, इस बार के जो MSP जो क्रॉप्स हैं राबी क्रॉप्स के लिए, पहले से राबी क्रॉप्स का मतलब वो क्रॉप्स जो अभी अपकमिंग विंटर सीजन में जिनको सो किया जाएगा, तो सोविंग के पहले ही MSP क्रॉप जो का जो प्राइस है वो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है। गवर्नमेंट हमेशा सोविंग के पहले ही क्यों डिक्लेयर करती है? ताकि फार्मर्स को पहले से ही पता हो कि क्या प्राइस उसे मिलने वाला है आफ्टर द क्रॉप इज हार्वेस्टेड, सो दैट फार्मर डज नॉट गेट इन टू द लॉस। अच्छा, सो द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द, अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर वीट फॉर द अपकमिंग राबी सीजन। क्या हाइक है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि 2% हाइक हुआ है। साथ ही साथ में गवर्नमेंट ने, जैसे कि हम जानते हैं कि पल्सिस और ऑयल सीड्स जो है उसके प्रोडक्शन शॉर्टेज में होते हैं इंडिया में, सो इस बार ऑयल सीड्स, पल्सिस जैसे मस्टर्ड, सेफ्लावर, मसूर दाल, इनका भी जो MSP है वो बाई 8% बढ़ाया गया है। क्यों बढ़ाया गया है? ये रीज़न इसके पीछे ये है कि हमारे इंडिया में मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है वो सीरियल्स का होता है, स्पेशली वीट एंड राइस, क्योंकि जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होती है वो मैक्सिमम वीट और राइस में ही होती है। तो जो फार्मर्स होते हैं वो वही क्रॉप ज़्यादा उगाना चाहते हैं जहाँ से उनको पता होता है कि गवर्नमेंट से पैसा उनको मिलने वाला है। बट दिस टाइम इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कि सीरियल्स के साथ साथ फार्मर्स पल्सिस और ऑयल सीड को भी सो करें, तो उसमें 8% की हाइक दी गई है। इसको हम कहते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, टू एंकरेज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे ये है कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे कौन हैं, तो वो हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। उसके बाद जो संयुक्त किसान मोर्चा है जो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहा है, दे आर सेइंग दैट दिस इंक्रीज इन MSP जो है वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन से कम है। जैसे कि देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो जो रियल इनकम होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि मेरा सैलरी 100 रुपीज़ है, अगले साल मेरा सैलरी 100 से 110 हो गया, बट इन्फ्लेशन जो है इट इंक्रीज बाई मोर देन 10%, सब चूँकि इन्फ्लेशन जो है वो 12% से इंक्रीज हुआ, तो जो 100 रुपये की चीज़ थी वो अब 112 की मिल रही है। तो इनफैक्ट दो माई सैलरी हाइक्ड बाई ₹10, बट मेरा रियल इनकम जो है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से अभी भी 2% कम है। द सेम थिंग ओवर हियर, दैट दो द MSP हैज़ इंक्रीज बट ड्यू टू इन्फ्लेशन द MSP फॉर वीट हैज़ ड्रॉप बाई 4%। इस न्यूज़ को हम कंटिन्यू करते हैं पेज 8 पे ही, इस न्यूज़ को हम यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं कि ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे। सो सी नाउ कमिंग ओवर हियर, यस, सी दिस पैराग्राफ, द मिस्टर तोमर जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू फिक्स द MSPs ऑफ ऑल खारीफ एंड राबी क्रॉप्स एटलीस्ट 1.5 टाइम्स मोर देन देयर प्रोडक्शन कॉस्ट, एंड दिस हैज़ हेल्प फार्मर्स इन एनहांसिंग द फार्मर्स इनकम। गवर्नमेंट, द प्रेजेंट गवर्नमेंट जब ये पावर में आई थी, सो दे हैड सेट द टारगेट ऑफ डबलिंग द फार्म्स इनकम बाई फार्मर्स इनकम बाई 2022। इसमें MSP जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसमें गवर्नमेंट ने एक टारगेट भी दिया था, उनका मैनिफेस्टो था कि हम MSP को 1.5 टाइम्स बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे द एग्रीकल्चर मिनिस्टर इज सेइंग द सेम थिंग, दैट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू फिक्स द MSP ऑफ ऑल खारीफ क्रॉप्स। खारीफ क्रॉप्स मतलब जो रेनी सीजन में जिनकी सोइंग होती है, जैसे राइस, एंड रबी क्रॉप्स जिनका विंटर सीजन में सोइंग होता है, एग्जाम्पल वीट। सो
ऑल खरीफ एंड रबी क्रॉप द एमएसपी विल बी इंक्रीज बाई एटलीस्ट 1.5 टाइम्स, ताकि जो फार्मर की इनकम है वो बढ़ जाए। इसके साथ साथ सेंटर ने एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है। द सेंटर्स डिसीजन टू, पहले क्या होता कि पल्सिस और ऑयल सीड्स में प्रोक्योरमेंट नहीं होती थी, सिर्फ वीट और पैडी, पैडी मीन्स राइस, सिर्फ वीट और पैडी में ही प्रोक्योरमेंट होती थी। बट इस साल द सेंटर हैज़ डिसाइडेड टू प्रोक्योर पल्सिस एंड ऑयल सीड्स अपार्ट फ्रॉम वीट एंड पैडी विच विल बेनिफिट द फार्मर्स। ओके, अच्छा अब यहाँ पे देखिए कुछ जो प्राइस इंक्रीज बताया गया है वो देखिए, वीट और मस्टर्ड में प्राइस इंक्रीज एमएसपी का 100% है, लेंटिल्स का 79% है, ग्राम का 74% है, बार्ली का 60% है, सेफ फ्लावर का 50% है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट ऑल्सो सेड दैट कंसर्टेड एफर्ट्स वेर मेड ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स टू रीअलाइन द एमएसपी इन फेवर ऑफ ऑयल सीड्स पल्सिस एंड कोरस सीरियल्स टू एंकरेज फार्मर्स टू शिफ्ट टू द लार्जर एरिया अंडर दिस क्रॉप एंड टू एडॉप्ट बेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड फार्म प्रैक्टिसेस टू करेक्ट द डिमांड सप्लाई इम्बेलेंस। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पहले जो प्रोक्योरमेंट थी गवर्नमेंट की वो सिर्फ वीट और पैडी की होती थी, तो फार्मर्स वही क्रॉप ज़्यादा उगाते थे और ऑयल और पल्सिस नहीं, ऑयल सीड्स और पल्सिस को नहीं उगाते थे। तो उसकी वजह से क्या होता था कि इनका प्रोडक्शन हिट होता था, कम होता था। तो अब जब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि दे विल प्रोक्योर ऑयल सीड्स एंड पल्सिस, दिस विल एंकरेज द फार्मर्स टू ग्रो ऑयल सीड्स एंड पल्सिस ऑल्सो एंड टू शिफ्ट फ्रॉम राइस एंड पैडी बेस्ड कल्टीवेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और जो गवर्नमेंट ने अभी अभी जो अनाउंस किया है। सो एक फेयर प्राइस भी होता है, फेयर रूमिनरेटिव प्राइस FRP कहते हैं, ये शुगर केन के लिए होता है। इसमें CACP का कोई रोल नहीं होता, ये सीधा कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA इसको सीधा डिक्लेयर करती है। अब हम बाकी की न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आज का ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ था MSP का, फार्मर्स प्रोटेस्ट के बीच में आया था। नाउ झारखंड हाउस, झारखंड हैज़ बिकम द थर्ड स्टेट आफ्टर आंध्र प्रदेश एंड हरियाणा टू पास रिजर्वेशंस इन एम्प्लॉयमेंट, रिजर्वेशंस इन एम्प्लॉयमेंट फॉर झारखंड फॉर लोकल्स। सो ये जो 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन प्राइवेट सेक्टर जॉब विद द मंथली सैलरी ऑफ अप टू ₹40,000, मतलब 40,000 तक की सैलरी जो होगी उसमें जो है 70% जो एम्प्लॉयमेंट है वो लोकल जो झारखंड के जो लोग हैं उनको देना होगा। दैट्स द ओनली न्यूज़ फ्रॉम द फ्रंट पेज। अब हम इस न्यूज़ की तरफ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही गवर्नमेंट को आदेश दे दिया था लकी दैट द वुमेन शुड बी अलाउड टू गिव NDA एग्जाम, एंड नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इन्फॉर्म्ड द डिसीजन दैट वुमेन विल बी अलाउड टू राइट द NDA एग्जाम्स। और ये जो पूरी न्यूज़ है ये पिछले साल की न्यूज़ से टाइड अप है। पिछले साल एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, पहले वुमेन दे आर वेर अलाउड इन शॉर्ट सर्विस कमीशन बट दे डिड नॉट हैव एनी कॉम्बैट रोल और उनको परमानेंट कमीशन नहीं मिलता था या कोई कमांड पोस्ट आर्मी में नहीं मिलता था। बट द सुप्रीम कोर्ट अलाउड दैट इफ द वुमेन हु आर एलिजिबल एंड आफ्टर शॉर्ट सर्विस कमीशन इफ दे हैव स्कोर मोर देन 60% इन देयर टेस्ट एंड दे हैव क्वालिफाइड ऑल द फिजिकल टेस्ट देन दे शुड बी गिवन द परमानेंट कमीशन एंड कमांड पोस्ट इन द आर्मी। ये फरवरी 2020 की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि वुमेन शुड बी अलाउड टू राइट द NDA एग्जाम्स। क्यों? क्योंकि नाउ इफ द वुमेन कैन बी गिवन द परमानेंट कमीशन, तो वुमेन के लिए कोई एग्जाम भी होना चाहिए दैट दे कैन ज्वाइन दैट परमानेंट कमीशन जॉब इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। सो नाउ दे विल बी अलाउड टू राइट NDA एग्जाम। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। एक तो हमने देखा कि ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ था असम में विद द सेंट्रल गवर्नमेंट असम एंड द इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑफ कार्बी पीपल। अब NSCN है, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के निकी ग्रुप। अब इन कैडर के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीज फायर अनाउंस किया हुआ है, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है नॉर्थ ईस्ट के लिए। जैसे मैंने अपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ये सीज़ फायर साइन हुआ है, 1 ईयर सीज़ फायर एग्रीमेंट है विद नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड निकी ग्रुप।
ये यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ सॉल्व हुआ है एंड दिस विल हेल्प इन इन बूस्टिंग द नागा पीस प्रोसेस। हमने पहले भी पढ़ा था कि नागालैंड में अब कोई ऑपोजिशन ग्रुप नहीं है, एक ऑपोजिशन पार्टी थी वहाँ पे, दे हैव जॉइंड द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। सो देर आर सर्टन इम्पॉर्टेंट थिंग्स ओवर हियर दैट देर वॉज अ ग्रोइंग डिसएग्रीमेंट बिटवीन NSC एंड IM, इसैक मूविया फैक्शन ऑफ NSC, दैट जो इंटरलॉक्यूटर है नागा पीस प्रोसेस का उसको चेंज करना चाहिए। ओके सो उसी के बीच में ये साइन हुआ है। सो सेंटर हैज़ ऑलरेडी साइंड अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद NSC IM एंड सीज फायर एग्रीमेंट विद अदर नागा ग्रुप्स। देखिए अब NSC के बहुत सारे फैक्शंस कौन कौन से हैं, NSC NK, NSC NR, NSC NK खांगो। उसके साथ साथ जो बाकी स्टेट्स में भी जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे उनके साथ भी द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी साइंड अ पीस डील। जैसे कि अगस्त 2019 में अगर आप देखेंगे तो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा सबीर देव बर्मा इनके साथ गवर्नमेंट ने सीज फायर साइन किया। उसके बाद बोडो एग्रीमेंट साइन हुआ इन जनवरी 2020, देन इन फरवरी 23 दिस ईयर द 1,040 लीडर्स एंड कार्डर्स ऑफ वेरियस अंडरग्राउंड कार्बी ग्रुप्स दे साइंड एन एग्रीमेंट ऑन सेप्टेम्बर 4। देन इन दिसंबर 2020 द गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ निकी सुमी, जो इसके ग्रुप है, निकी ग्रुप के जो लीडर हैं, टू रिवाइव द सीज फायर एग्रीमेंट व्हेन आफ्टर ही फ्लोटेड अ न्यू फैक्शन कॉल्ड एज NSCN खापला। नाउ दिस न्यूज़ इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द न्यूज़ फ्रॉम द लास्ट डे। हमने देखा था कि SCO मीट होने वाला है, इंडिया रशिया और CIA के जो चीफ हैं वो मिलने वाले थे। तो यहाँ पे अब एक इंडिया रशिया की बात हो रही है। सो यहाँ पे देखिए इंडिया और रशिया का जो एक इम्पॉर्टेंट वो है कंसर्न, वो आपको देखिए समझ में आएगा सेकेंड पैराग्राफ पे। पहली बात तो ये देखिए कि रशिया सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो निकोलाय पेट्रुशेव। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, तो अजीत डोवल। अभी इस मीटिंग में देखिए क्या हुआ। ड्यूरिंग द मीटिंग रशिया डिसाइडेड टू अब्सटेन फ्रॉम अ UNSC रिजोल्यूशन ऑन अफगानिस्तान इंडिया अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी। ये कौन से UNSC रेजोल्यूशन की बात चल रही है, UNSC रेजोल्यूशन 2593, UNSC रेजोल्यूशन 2593, जिसको इंडिया ने प्रपोज किया था, बट चाइना और रशिया अब्सटेन हो गए। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली तालिबान के टेक ओवर के बाद। देखिए थ्रेट ऑफ टेररिज्म पहला प्रॉब्लम है फ्रॉम इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स, फ्लो ऑफ वेपन्स, रेडिकलाइजेशन एंड इंक्रीज इन ओपियम प्रोडक्शन एंड ड्रग ट्राफिकिंग, दिस आर द एमर्जिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू अफगानिस्तान विच इंडिया इज गोइंग टू फेस। द सेकेंड प्रॉब्लम विच इंडिया इज गोइंग टू फेस इज ह्यूमैनिटेरियन एंड माइग्रेशन प्रॉब्लम्स इन अफगानिस्तान, वेयर देर इज अ नीड ऑफ रशिया एंड इंडिया जॉइंट एफर्ट्स एट द सेम टाइम। अब इंडिया देखिए फेवर क्या करता है, देखिए रशियन इंडियन जॉइंट एफर्ट्स एम्स एट क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर लॉन्चिंग अ पीसफुल सेटलमेंट प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रा अफगान डायलॉग। इंट्रा अफगान डायलॉग का मतलब अब किसी फॉरेन कंट्री का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। ओके उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज यही भी है कि इंडिया के दो टेररिस्ट ग्रुप्स ऐसे हैं जो इंडिया के लिए पर्टिकुलरली कंसर्न पैदा करते हैं, एक है लश्कर ए तैयबा, एक है जैश ए मोहम्मद। ओके सो यहाँ पे एक हक्कानी नेटवर्क की बात हुई है। हक्कानी नेटवर्क में जो सिराजुद्दीन हक्कानी हैं उनको अफगानिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर बनाया गया है और वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि हक्कानी नेटवर्क वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉम्बिंग ऑफ इंडियन एम्बेसी इन काबुल इन 2015, ऑलमोस्ट किलिंग 58 पीपल। ओके फिर उसके यहाँ पे देखिए CIA के डायरेक्टर का नाम दिया गया है विलियम बर्न्स, जो दिल्ली आने वाले हैं, इनके साथ डोवल हमारे NSA मीट होगी और इसका क्या आउटकम होगा इसको हम डिस्कस करेंगे जब ये न्यूज़पेपर में आएगा। ओके सो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न विच हैज़ बीन रेज्ड और इंडिया का यही कंसर्न है जो आप अपने दिमाग में रखेंगे। ओके नाउ सी भूपेंद्र यादव, श्री भूपेंद्र यादव इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे एक सोशल सिक्योरिटी कोड की बात हुई है। लेबर मिनिस्ट्री ने गिग वर्कर्स के लिए, गिग वर्कर्स वो होते हैं जिनके लिए सोशल सिक्योरिटी कंपनी मुहैया नहीं कराती,
उनको हम गिग वर्कर्स कहते हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स कहते हैं। इनके वेलफेयर के लिए चार कोड्स हैं, वो चार कोड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है द सोशल सिक्योरिटी कोड, दूसरा है कोड ऑन वेजेस, तीसरा है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। सो दीज आर द कोड्स ओके विच हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। ये एक्ट पास हो चुका है बट इसको भी इम्प्लीमेंट करना बाकी है। उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया टू होल्ड 2+2 मीट। ये 2+2 मीट क्या होता है? 2+2 मीट का मतलब होता है कि डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज विल मीट। ठीक है, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? श्री राजनाथ सिंह। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। अब हम ऑस्ट्रेलिया के देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? मैलिसे पेन। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है? पीटर डुटॉन। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये 2+2 मीट जो है वो होने वाला है। इसका हाईलाइट क्या होगा? इसका हाईलाइट होगा ऑब्वियसली इंडो पैसिफिक, इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट होगी। इसके साथ साथ ये जो डायलॉग है, इट इज़ द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? सिक्योर स्टेबल एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। और अब ये जो कोऑपरेशन है, इस हम और भी फील्ड्स में करेंगे। इकोनॉमिक इश्यूज, साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन। देखिए, अब हमने पहले के भी न्यूज़ में किया हुआ है लास्ट मंथ में कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दे आर गोइंग टू साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये डायलॉग चल रहा है, अभी ये साइन नहीं हुआ है बट ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ साथ में अफगानिस्तान में इवैक्यूएशन प्रोसेस में भी डिस्कशन होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 4,100 पर्सन्स अफगानिस्तान से अभी अभी इवैक्यूएट किए हैं। अब हम आते हैं एक दूसरे न्यूज़ की तरफ। कभी कभी क्या होता है, कुछ न्यूज़ ऐसे आते हैं कि वो न्यूज़ से ज़्यादा, उस न्यूज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे इस न्यूज़ में मेंटल हेल्थ के बारे में बात हो रही है। सो लेट्स सी दिस न्यूज़। नाउ सी, सबसे पहले केशव देसी राजू, ये हेल्थ सेक्रेटरी थे, इनका डेथ हुआ था और इन्होंने मेंटल हेल्थ को एक प्रायोरिटी बनाया था इंडिया में। तो इनके ट्रिब्यूट में ये आर्टिकल लिखा गया है। तो अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केशव देसी राजू, इनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि इन्होंने मेंटल हेल्थ को पावर्टी, डिप्राइवेशन और पुअर सोशल नेटवर्क से लिंक किया, कि किसी भी आदमी का पुअर हेल्थ और मेंटल हेल्थ आउटकम जो है वो पावर्टी, डिप्राइवेशन और पुअर सोशल नेटवर्क से रिलेटेड है। देन ही इज़ ऑल्सो एन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज मेंटल हेल्थ पॉलिसी एंड मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ही एम्फसाइज द मेंटल हेल्थ केयर एज द बेसिक राइट फॉर एवरी सिटीजन। थर्ड इज दैट हु विल प्रोवाइड द राइट कंडीशन फॉर गुड मेंटल हेल्थ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की नहीं, स्टेट की होगी। आगे आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि इन्होंने मेंटल हेल्थ केयर को कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच पे इसको बेस किया, कि जो मेंटल हेल्थ केयर होता है उसमें एक इंडिविजुअल के साथ साथ पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट एंड कम्युनिटी इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। इनके ये कुछ इम्पॉर्टेंट ये थे। अब जब आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में तो सब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हेन इज द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व। सो इट इज ऑब्जर्व ऑन 10th October। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन 10th October। फिर वो आपसे 2021 का थीम भी पूछ सकते हैं। तो 2021 का थीम क्या होगा? मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। उसके बाद इंडिया ने सबसे पहला नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लाया 1982 में। इट फोकस्ड ऑन थ्री थिंग्स, द फर्स्ट वॉज ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन एंड द थर्ड वन वॉज प्रिवेंशन एंड केयर। ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन प्रिवेंशन एंड केयर। उसके बाद हमारे पास मेंटल हेल्थ केयर है एक्ट है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का, कि इट डिक्रिमिनलाइज सुसाइड। सुसाइड वॉज क्राइम अंडर सेक्शन 309 ऑफ IPC
इसको इसने डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। साथ साथ में इसने पेशेंट को राइट दिया था, राइट टू मेक एन एडवांस डायरेक्टिव कि किसी भी पेशेंट को अगर मेंटल इलनेस फ्यूचर में होगा तो हाउ दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड। द सेकेंड वॉज दैट राइट टू अपॉइंट अ नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव कि किसी को मेंटल हेल्थ इशू हो गया तो उस केस में हु विल बी द वन हु विल बी मेकिंग द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पेशेंट। तो दिस वेयर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स ऑफ दिस पॉलिसी। अब देखिए ये आर्टिकल सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के फॉरेन अफेयर्स में। ये आर्टिकल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक दो बार आप इसको पढ़ेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन इसमें से आप निकालेंगे और इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। सो दिस आर्टिकल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ये कहा है कि हम फ्यूचर में यूनाइटेड तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्निशन देंगे कि नहीं देंगे और किस तरीके से देंगे, दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन द कंडक्ट ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट। ठीक है, बट साथ साथ में इसके बारे में कुछ बात हुई है। एक 1988 यूएनएससी रेजोल्यूशन नंबर 1988 रेजोल्यूशन है जिसका नाम है तालिबान सैंक्शन कमिटी, जिसको इस वक्त इंडिया हेड कर रहा है इन 2021-22। इसमें कुछ टेररिस्ट लोगों के नाम है और कौन कौन से वो टेररिस्ट हैं, वो वही लोग हैं जो तालिबान में एज एन इंटरिम गवर्नमेंट जो अपॉइंट हुए हैं, जैसे कि उनके प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद हसन अखुंद, फिर उनके जो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। अब इनकी डिलिस्टिंग होगी या नहीं होगी, ये एक यूएनएससी रिजोल्यूशन जिसके इसके बारे में बात करता है कि तालिबान में जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये भी था कि तालिबान विल शेयर द पावर विद द नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। सो इट रिक्वायर्ड डेट सम ऑफ द इंडिविजुअल्स मस्ट बी डीलिस्टेड फ्रॉम द तालिबान सेंक्शन कमिटी। तो उसके लिए एक नया रेजोल्यूशन आया जिसका रेजोल्यूशन का नंबर था रेजोल्यूशन 2513 कि दिस दे विल द यूएनएससी विल ट्राई टू डीलिस्ट सम ऑफ द टेररिस्ट फ्रॉम द 1988 यूएनएससी सेंक्शन कमिटी लिस्ट। बट इसके ऊपर द यूएस हैज सेड कि हम इसके ऊपर काम तभी करेंगे व्हेन वी विल सी दैट हाउ द सिचुएशन एमर्जेस इन तालिबान एंड व्हाट पॉलिसी दे आर गोइंग टू फॉलो। कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हैं, जैसे कि अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारे जो इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन के, इनका नाम बहुत बार आ चुका है एंड आई एक्सपेक्ट कि एक क्वेश्चन में एक इनका नाम हो सकता है। ही इज टी एस तिरुमूर्ति। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, हर्षवर्धन सिंगला। तो क्योंकि इंडिया इसको चेयर कर रहा है तो इंडिया के ऊपर सबकी नज़र है कि व्हेन द इंडिया विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डीलिस्टिंग। सो इंडिया हैज सेड दैट nobody has right now demanded the delisting of the individuals who have been appointed as the part of the interim government of afghanistan, so we have not started with the process. okay, acha, jo ek aur important information jo aapko yaad rakhna hai wo ye hai ki india is right now is a non permanent member of united nations security council, jo ek principal organ hai united nation ka. to india is chairing the taliban sanction committee. ठीक है, एक तो तालिबान सैंक्शन कमिटी को चेयर कर रहा है, सेकंड इट इज़ चेयरिंग काउंटर टेररिज्म। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के कमिटीज़ होते हैं, तो ये एक काउंटर टेररिज्म कमिटी है उसको चेयर कर रहा है। ये 9/11 अटैक के बाद बना था। सी इट इज़ चेयरिंग द लीबिया सैंक्शन कमिटी। अब देखिए, अब इस न्यूज़ एनालिसिस में ये है कि जो द न्यू गवर्नमेंट है वो ओल्ड रिजीम है, मीन्स ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, क्योंकि जो मैक्सिमम लोग जो पुराने गवर्नमेंट में थे वही लोग यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, वो पुराने शारिया लॉ को ही इम्पोज करना चाहते हैं और वुमेन के लिए काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि वे क्लासेस जो है रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट में अटेंड करेंगी, जैसा कि आप पिक्स में देख रहे हो कि बीच में एक कर्टन है, बच्चे लड़के एक तरफ लड़कियां एक तरफ। साथ साथ में अगर आप वुमेन को इसी तस्वीर में देखें सो दे आर वियरिंग अब्या रोब, निकाब कवरिंग देयर हेयर बॉडी हैंड्स एवरीथिंग।
ओके, कुछ नाम यहाँ पे हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। पहला तो नाम है मुल्ला अखुंड, इनका फोटो यहाँ पे भी है, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंड। नाउ ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट। देन सिराजुद्दीन हक्कानी, ये इंटीरियर मिनिस्टर हैं जस्ट लाइक द होम मिनिस्ट्री। फाइन, फिर खलील हक्कानी, ठीक है, ये जो हैं हमारे नहीं, अफगानिस्तान के मिनिस्टर ऑफ रेफ्यूजी अफेयर्स हैं। देन उसके बाद ये सब ग्लोबल टेररिस्ट हैं। उसके बाद यहाँ पे एक नाम नहीं है, ओके, हाँ यहाँ पे वो नाम है, मुल्ला उमर हबीतुल्ला अखुंजा, ये नाम इम्पोर्टेंट है, हबीतुल्ला अखुंजा, ये सुप्रीम लीडर हैं अफगानिस्तान के, ये नाम आप याद रखिएगा, हबीतुल्ला अखुंजा। उसके बाद चाइना वेलकम्स तालिबान गवर्नमेंट एज एंड टू एनआरकी, यहाँ पे चाइना ने कहा है कि दे वुड लाइक टू नेगोशिएट विद तालिबान एंड वो तालिबान में इंटरफियर नहीं करेंगे, जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट सेटअप होगा उसके साथ काम करेंगे। उसके बाद अफगानिस्तान लास्ट जीव लीव्स कंट्री, नाम याद रख लीजिए बस, जेबुलॉन सिमेंटो। देन द नेक्स्ट इज़ ईरान अर्ज टू रेज्यूम न्यूक्लियर टॉक्स, एक न्यूक्लियर टॉक होता है आईएईए के वॉच में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर इन वियना इन ऑस्ट्रिया। सो द न्यूक्लियर टॉक इज़ गोइंग ऑन बिटवीन US, जर्मनी, UK, फ्रांस, P5+1 कंट्रीज ऑन वन साइड एंड ईरान ऑन अदर साइड, ये रुक गया था। अब इकोनॉमी में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है, द गवर्नमेंट क्लियर्स ₹10,683 करोड़ टेक्सटाइल PLI प्लान। PLI का फुल फॉर्म क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए है। अब देखिए इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये समझ लीजिए कि हमें टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट करना है, बिकॉज इट इज़ एन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, बहुत ही एक्सपोर्ट इंटेंसिव यूनिट है इंडिया का। बट इसमें कोई एक प्रॉब्लम आया है, देखिए प्रॉब्लम क्या है, पहले हम प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर गवर्नमेंट ने उसको कैसे सॉल्व किया है इस स्कीम के थ्रू, उस वो हमको अच्छे से समझ में आएगा। इंडिया का जो प्रेजेंट एक्सपोर्ट है, 2/3 ऑफ इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट आर कॉटन बेस्ड, बट अगर हम वर्ल्ड ट्रेड में देखेंगे तो 66 to 70%, मोर देन 2/3, 66 to 70% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इन टेक्सटाइल्स आर MMF बेस्ड। MMF बेस्ड मतलब मैन मेड फाइबर बेस्ड एंड टेक्निकल टेक्सटाइल, जिसमें इंडिया पीछे है। अब हमको इंडिया का जो फोकस है उस इसी MMF सेक्टर में बढ़ाना है, तो इसीलिए द गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद द PLI स्कीम। इसका आप आउटले याद रखेंगे, विच इज़ 10,683 करोड़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर, ओके। और इसका फोकस क्या है, सीधे सेकेंड पैराग्राफ, द इंसेंटिव्स आर डिजाइन टू एंकरेज इन्वेस्टमेंट इन न्यू कैपेसिटीज इन मैन मेड फाइबर अपैरल MMF फैब्रिक्स एंड सेगमेंट्स ऑफ और प्रोडक्ट्स ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ठीक है। इसके फोकस क्या है कि जब गवर्नमेंट इतना पैसा टेक्सटाइल सेक्टर में डालेगी तो टेक्सटाइल सेक्टर में देयर विल बी फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 19,000 करोड़ एंड डायरेक्ट जॉब्स ऑफ 7.5 लाख, ओके। इसके इम्प्लीमेंटेशन के दो प्रोसेस होंगे, पहला क्या होगा कि कोई भी फर्म या पर्सन 300 करोड़ तक इन्वेस्ट अगर करता है इन प्लांट मशीनरी एंड सिविल वर्क्स टू प्रोड्यूस द आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स, जो 10 प्रोडक्ट्स जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, अगर उनको प्रोड्यूस करने के लिए अगर वो 300 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करता है तो वो एलिजिबल है PLI के अंडर। सेकंड कैटेगरी है कि अगर कोई 100 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है ना, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट करता है, तो दैट विल बी ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। फाइन, अच्छा अब इसमें क्या है, सेकंड चीज कि प्रायोरिटी उनको दिया जाएगा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, 3-tier cities, 3-tier, 4-tier towns और रूरल एरियाज में करेंगे। और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि दिस स्कीम विल बेनिफिट गुजरात, UP, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना एंड उड़ीसा।
So that was the news. Now we will move to our editorials. हम ये देख लेते हैं बैक एट स्कूल, यहाँ पे है कि स्कूल्स अब रीओपन हो रहे हैं कोविड-19 सर्ज के बाद, और डिफरेंट स्टेट्स आर अडॉप्टिंग डिफरेंट मॉडल्स. इवन दो द केरला, सम स्टेट्स लाइक केरला शोइंग वेरी हाई पॉजिटिव केसेस, बट दे आर ऑल्सो रीओपनिंग द स्कूल्स इन अ बायो बबल थिंग. ओके, एंड वाई देर वॉज अ नीड ऑफ रीओपनिंग द स्कूल, जैसे हमने कल डिस्कस किया था. एक रिपोर्ट आया था, इसका नाम था स्कूल. उसमें ये बताया गया था कि रूरल एरिया में मात्र 8% और अर्बन एरिया में ओनली 37% स्टूडेंट्स वेर एबल टू अटेंड द ऑनलाइन क्लासेस. बट इसमें ये बताया गया कि देर आर सम मेजर कंसर्न्स. तो अगर हम देखेंगे तो ये मेजर कंसर्न्स जो हैं कि केसेस फिर से बढ़ सकता है. पर यहाँ पर इस रिपोर्ट में एक यूरोपियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन स्कूलिंग ड्यूरिंग कोविड-19 के कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट करके उसको कम कर सकते हैं, जैसे कि स्मॉलर क्लास साइज, वाइडर स्पेसेस बिटवीन स्मॉलर क्लास साइज, वाइडर स्पेसेस बिटवीन डेस्क, स्टैगर्ड ब्रेक्स एट स्कूल आर सम ऑफ द प्रोविजंस व्हिच कैन बी इम्प्लीमेंटेड एट स्कूल लेवल फॉर लोअरिंग द इन्फेक्शन. द सेकेंड इज वैक्सीनेशन ऑफ द वैक्सीनेशन ऑफ द स्टाफ. फाइन, उसके बाद WHO का एक रिकमेंडेशन है कि जब भी स्कूल खोला जाए तो एक रिस्क बेस्ड अप्रोच पे खोला जाए. अगर रिस्क ज़्यादा है तो हम स्कूल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, स्कूल रीओपनिंग को थोड़ा रोक सकते हैं, और साथ साथ में वी कैन मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस, गुड वेंटिलेशन एंड वैक्सीनेशन ऑफ एवरीवन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. उसके बाद फार्मर्स स्टील द न्यू डायमेंशन इन यूपी पॉलिटिक्स. तो मुजफ्फरनगर में मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम GK पॉइंट ऑफ व्यू, बट कभी कभी इंग्लिश में ऐसे पैसेजेस आते हैं, सो रीड इट फॉर दैट. तो इसमें जो है BKU की बात हुई है. BKU के जो लीडर हैं राकेश तिकैर, तो उनके बारे में बात हुई है कि जो मुजफ्फरनगर में जो किसान महापंचायत ऑर्गेनाइज किया गया था, BKU इज भारतीय किसान यूनियन, इन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा ऑर्गेनाइज किया था किसान महापंचायत मुजफ्फरनगर में 2013 में. इन 2013 मुजफ्फरनगर वॉज द साइट ऑफ कॉम्युनल रॉयड. बट इफ यू टॉक अबाउट दिस महा किसान संयुक्त किसान मोर्चा, द महापंचायत ऑफ फार्मर्स इन मुजफ्फरनगर, हियर देर वॉज टू थिंग्स, टू स्लोगन्स चैंटेड टुगेदर, हर हर महादेव एंड अल्लाहू अकबर, से मीन्स सेक्युलरिज्म. और यहाँ पे ऑथर डिस्कस करता है कि जब 2014 के बाद जब द BJP का जो एसेंडेंसी हुआ यूपी में, सो इट वाज बेस्ड ऑन कॉम्युनल राइट्स, कॉम्युनल डिवीजन, बट उसको काउंटर करने के लिए ये किसान मोर्चा है जो कल फ्यूचर में जाके यूपी पॉलिटिक्स को चेंज कर सकता है. अब हम बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन अ न्यू एलाई फॉर अ जीरो कार्बन फ्यूचर के बारे में. तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कितने टाइप के हाइड्रोजन होते हैं. तो अगर हम देखेंगे तो इस फॉसिल फ्यूल्स, यहाँ पे एक डेटा दिया गया है कि फॉसिल फ्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओवर 830 मिलियन टन पर एनम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और हम लोगों को कुछ अब दूसरे डिफरेंट सोर्स की तरफ जाना पड़ेगा टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग. हमें जो अपने एनर्जी रिसोर्सेज है उसको थोड़ा सा डाइवर्सीफाई करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? तो अगर हम सिर्फ इंडिया की ही बात करें तो सी, इंडिया इज़ द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री बिहाइंड चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन. और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का फोरकास्ट है कि बाय 2030 इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग नेशन. बट एट द सेम टाइम देर इज़ अ टॉक गोइंग ऑन, स्पेशली आफ्टर द IPCC रिपोर्ट विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, कि देर शुड बी अ शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो इस सब में जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उसमें ग्रीन हाइड्रोजन का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा दिख रहा है. क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन का पोटेंशियल जो है वो उसका देखिए क्या है. हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द प्लैनेट. द पर प्रॉब्लम क्या है? दैट इट इज़ रेयरली इन द प्योर फॉर्म. सो बट इट हैज़ वेरी हाई एनर्जी डेंसिटी विच इज़ मोर देन 3 times द डीजल. तो इसके लिए हाइड्रोजन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है. बट नाउ देर इज अ सेकेंड चैलेंज. पहला चैलेंज तो ये है
कि वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता नेचर में। सेकंड है कि हाइड्रोजन को लिक्विफाइड फॉर्म में रखना, जिसको LH2 कहते हैं, लिक्विफाइड हाइड्रोजन हमें बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, -250 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अगर हम वहीं लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात करें तो उसको तो सिर्फ -160 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है, फाइन। बट ग्रीन हाइड्रोजन इज स्टिल अ बेटर वे ऑफ गोइंग अहेड टू सॉल्व द एनर्जी प्रॉब्लम। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी हैं, मैं सब बता देता हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्लैक हाइड्रोजन जो ब्लैक कार्बन से डिराइव किया जाता है, ब्राउन हाइड्रोजन जो ब्राउन हाइड्रोजन से डिराइव किया जाता है, ब्लू हाइड्रोजन जो मीथेन से डिराइव किया जाता है, देन पिंक हाइड्रोजन जो न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हैं, और वाटर को, वाटर विच इज़ H2O उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसको हम पिंक हाइड्रोजन कहते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में हम क्या करते हैं, हम सोलार एनर्जी या विंड एनर्जी यूज़ करते हैं, एंड देन थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस वी ब्रेक डाउन H2O इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड वी ऑब्टेन द हाइड्रोजन, सो दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन। सो द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इज राइट नाउ वेरी ह्यूज। इसमें अभी जो है 1.5 किलो, 1 किलोग्राम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए अभी जो इन्वेस्टमेंट है वो $1.5 है, जो बहुत ज़्यादा है, और फ्यूचर में हमें रिसर्च करके इसी को कम करना पड़ेगा सो दैट वी कैन डाउनग्रेड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो अभी से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, बेल्जियम हो गया, इंडिया खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इंडियन नॉर्दर्न इंडियन रेलवेज में एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक इंजन चलाया जा रहा है फॉर 89 किलोमीटर फ्रॉम सोनीपत टू जींद इन हरियाणा। ओके, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, डिटेक्टिंग फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम। पहले तो इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, ये समझ लीजिए फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम। तो देखिए, तो ये जो फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम है ना, दिस इज द जेनेटिक कॉज ऑफ ऑटिज्म, ठीक है। अब आप ये भी ध्यान रख लीजिए, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये कब हम सेलिब्रेट करते हैं, 2 अप्रैल को WHO इसको ऑब्जर्व करता है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे कुछ टेक्निकलिटीज समझ लीजिए। देखिए, फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम की बात हो रही है, हमारे बॉडी में एक जीन होता है, जीन होता है जिसका नाम है FMR1। वो जीन जो है एक सिग्निफिकेंट प्रोटीन बनाता है जिसका कहते हैं FMRP। इसी जीन में अगर हम अगर म्यूटेशन हो जाता है तो उसको कहते हैं फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम, विच इज़ द मेजर कॉज ऑफ ऑटिज्म। अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि स्क्रीनिंग का प्रॉब्लम है, डिटेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अब डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि एक देयर शुड बी टाइमली DNA टेस्ट, कि ताकि ये पता चल जाए कि जो ऑटिज्म होने वाला क्या FMR1 में या FMR1 में कोई दिक्कत है क्या, तो इससे ये पता चल जाएगा कि इस बच्चे को फ्यूचर में जाके ऑटिज्म का प्रॉब्लम होने वाला है। साथ साथ में इसको MBBS करिकुलम का पार्ट बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, और ताकि उनको सिम्टम्स के बारे में पता रहे, जैसे कि व्हाट इज़ द सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म, लर्निंग डिफिकल्टी, स्पीच डिले, एग्रेसिव बिहेवियर, हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन डेफिशिट, फियर ऑफ अनफेमिलियर, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एंड प्रॉब्लम्स इन मोटर स्किल। अगर टाइमली टेस्ट होगा तो ये सब हम क्योर कर सकते हैं। ओके, एक नेशनल पॉलिसी है हमारा, नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज 2017, जिसको हमें अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, 7,000 मेल में एक आदमी को ये डिजीज हो सकता है, और 11,000 फीमेल में एक फीमेल को FX सिंड्रोम हो सकता है। देन FX सिंड्रोम इज अ लीडिंग इनहेरिटेड कॉज ऑफ ऑटिज्म इन 4% ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड। ओके, नाउ सी, अगर किसी माँ को ये सिंड्रोम है, फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम, देन 50% चांस है कि दैट शी विल पास दैट सिंड्रोम टू द चिल्ड्रन।
देन अगर पापा या मेल के पास है ये सिंड्रोम, मैन अगर के अंदर ये म्यूटेशन है, तो वो सन में पास नहीं होगा बट डॉटर में पास हो जाएगा। ठीक। द नेक्स्ट इज ओडिशा गवर्नमेंट का एक पॉलिसी आया है कि 15% रिजर्वेशन इन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस विल बी गिवन टू द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। इसके पीछे का ओडिशा गवर्नमेंट का लॉजिक है दैट इट विल इंक्रीज द पार्टिसिपेशन और इट विल इंक्रीज द एनरोलमेंट और प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स इनटू दिस इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पे द आर्टिकल इज ट्राइंग टू से दैट इंस्टेड ऑफ गिविंग रिजर्वेशंस द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इम्प्रूव द स्कूलिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल। उसके बाद एक यहाँ पे CMIE का डेटा है, ध्यान रखिएगा CMIE का डेटा है। इसने कहा है कि इन ऑगस्ट इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज टू 8.3% फ्रॉम 7% इन जुलाई। ऐसा क्यों है? ऐसा इसके लिए है कि अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में हार्वेस्टिंग हो चुका है, अब सीधा राबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग होगी, तब एग्रीकल्चरल लेबर की ज़रूरत होगी। नॉर्मली क्या होता है कि द वैन द लेबरर्स दे डोंट फाइंड जॉब इन एग्रीकल्चर सो दे गेट एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बट राइट नाउ सॉरी इन कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बट राइट नाउ द कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आर नॉट फाइंडिंग एनी आर नॉट जनरेटिंग इनफ जॉब। ओके, अगर जो जॉब क्रिएट हुआ है वो सर्विस सेक्टर में ही क्रिएट हुआ है, दैट इज द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आज हिस्ट्री में भी इम्पॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो बात हो रही है सिविल वॉर इन नॉर्दर्न आयरलैंड, हमने पहले भी इसके बारे में बात किया हुआ है नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में, कि अब उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको वो न्यूज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नॉर्दर्न आयरलैंड इज़ द पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और यहाँ पे और जो सदर्न आयरलैंड है वो अपने में एक कंट्री है। सेकेंड इज द डिस्कशन अबाउट द मोपला रिवोल्ट विच हैपेंड विच वॉज अ पीजेंट रिवोल्ट इन केरला। सो मोपला यहाँ पे सीन क्या था कि यहाँ पे द रिवोल्ट वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द जमींदार। अभी इसके बारे में बात भी हुई थी, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो गया था कि कुछ लोग कह रहे थे कि मोपला रिवोल्ट वॉज अ कॉम्युनल रिवोल्ट, बट ऐसा नहीं है। इसको मैं एक जो एंगल ये भी है कि दैट इट वॉज अ पीजेंट रिवोल्ट अगेंस्ट द जमींदार। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो अगेन विद द डेली हिंदू न्यूज एनालिसिस। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।